हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, वो भी बेहतरीन स्टाइल से। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने 3 चम्मच तेल ले लिए है एक फैन में, 1 टीस्पून जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 स्टार फूल, 3 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची, काली इलायची। 2 प्याज को हमने स्लाइस कट करके इसको हम फ्राई कर लेते हैं प्याज को, और फिर हम आगे बताते हैं। तो अब ये प्याज फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ले लेते हैं 300 ग्राम चिकन। चिकन का पीस आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैं थोड़ा मीडियम साइज में रखा हूँ, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, एकदम मीडियम साइज में। जो लेग पीस है उसको बीच में कट कर दिए है। 1 टेबल स्पून नमक ले लिए है, नमक आप स्वाद अनुसार ले, बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन में थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे, इसको ढक्कन लगा के थोड़ा सा पका लेते हैं। तो अब साथ में क्या, प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए है, 2 मिर्ची को कट कर लिए, 1 टमाटर को और 1 टेबल स्पून ले लिए गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा नमक फिर से ले लिए है, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। इसमें हम हल्दी और मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हल्दी से ज़्यादा वो येलो हो जाएगा, तो अभी मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, चाहे तो आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। तो इसको हम चिकन को कम से कम 50% पक जाना चाहिए फ्राई करके, क्योंकि राइस आपको क्या है जल्दी पक जाता है। तो थोड़ा सा पानी ले लिए इसमें और इसको हम थोड़ी देर ढक्कन लगा के हम पकने देते हैं 6 से 7 मिनट। अब 6 से 7 मिनट हो चुका है, तो 1 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है। दही लेने के बाद में रुकना नहीं है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, क्योंकि ऐसा लगेगा पूरा दाना दाना हो जाएगा, तो इसके लिए दही को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मिक्स हो चुका है, तो 1 कप मैंने राइस को आधा घंटा पहले भिगा के रखा था, तो ओके साफ करके अब हम ले लिए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 लींबू का जूस, लींबू का रस हमने ले लिया है। इसमें क्या है, थोड़ा राइस भी थोड़ा साफ लगेगा और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो 3 कप मैंने पानी लिया है, जैसा 1 कप राइस चावल, तो 3 कप मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी इसके लिए कि जल्दी उबाल आएगा, उबाल आने के बाद में इसको हम फिर 12 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो अब देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको 12 मिनट तक पकाए। अब ये पकने के बाद में 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, तुरंत नहीं निकालना है। अभी थोड़ा थोड़ा गीला, इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, रख देंगे, तो एकदम परफेक्ट पुलाव बन जाएगा। तो देख सकते हैं 20 मिनट हो चुका है, तो अब देखिए पुलाव का जो एकदम बहुत बढ़िया सा बन के आया है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसका साथ में आप चाहो तो रायता बना सकते हैं, कोई भी रायता, बूंदी रायता, या दही का साथ में भी आप खा सकते हैं। तो देख सकते हैं जो पुलाव का कलर है, बिना हल्दी नहीं यूज किया है, ना मिर्ची पाउडर यूज किया है। तो इस हिसाब से साथ में आप कुछ सैलड ले लीजिए, ककुम्बर, टमाटो, कुछ भी, और इन्जॉय कीजिए चिकन पुलाव। अगर इसे भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चिकन पुलाव अब मैं थोड़ा सा खा के देखता हूँ कैसा बना है। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि हाथ में टूट रहे, तो मतलब चिकन बहुत बढ़िया से पका है। तो चलिए आप भी फटाफट बनाइए, ट्राई करिए और इन्जॉय कीजिए चिकन पुलाव।